शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लोगों अपने परवरदिगार से डरो कि कयामत का जलजला एक हादसा अजीम है। ए मुखातब, जिस दिन तू उसको देखेगा उस दिन ये हाल होगा कि तमाम दूध पिलाने वाली औरतें अपने बच्चों को भूल जाएंगी और तमाम हमल वालियों के हमल गिर पड़ेंगे और लोग तुझको मदहोश नजर आएंगे, हालांकि वो मदहोश नहीं होंगे बल्कि अजाब देखकर मदहोश हो रही होंगी। बेशक अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है और बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की शान में इल्म के बगैर झगड़ते और हर शैतान सरकश की पैरवी करते हैं, जिसके बारे में लिख दिया गया है कि जो उसे दोस्त रखेगा तो वो उसको गुमराह कर देगा और दोजख के अजाब का रास्ता दिखाएगा। लोगों, अगर तुमको मरने के बाद जी उठने में कुछ शक हो तो हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया था, यानी इब्तिदा में मिट्टी से, फिर उससे नुतफा बनाकर, फिर उससे खून का लोथड़ा बनाकर, फिर उससे बोटी बनाकर, जिसकी बनावट कामिल भी होती है और नाकिस भी, ताकि तुम पर अपनी खालिकियत जाहिर कर दें, और हम जिसको चाहते हैं एक मियादे मुकर्रर तक पेट में ठहराए रखते हैं, फिर तुमको बच्चा बनाकर निकालते हैं, फिर तुम जवानी को पहुंचते हो और बास कबल पीरी मर जाती हैं और बास बुढ़ापे की निहायत खराब उम्र की तरफ लौटाए जाती हैं कि बहुत कुछ जानने के बाद बिल्कुल बेइल्म हो जाती हैं। और ऐ देखने वाले, तू देखता है कि एक वक्त में जमीन खुश्क पड़ी होती है, फिर जब हम उस पर मे बरसाते हैं तो वो शादाब हो जाती और उभरने लगती है और तरह तरह की बारौनक चीजें उगाती है। इन कुदरतों से जाहिर है कि अल्लाह ही कादर मुतलक है जो बरहक है, और ये कि वो मुर्दों को जिंदा कर देता है, और ये कि वो हर चीज पर कुदरत रखता है, और ये कि कयामत आने वाली है उसमें कुछ शक नहीं, और ये कि अल्लाह सब लोगों को जो कब्रों में हैं जिला उठाएगा, और लोगों में कोई ऐसा भी है जो अल्लाह की शान में बगैर इल्म के और बगैर हिदायत के और बगैर किताब रोशन के झगड़ता है और तकब्बुर से गर्दन मोड़ लेता है ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दे। उसके लिए दुनिया में जिल्लत है और कयामत के दिन हम उसे अजाब आतश सोजा का मजा चखाएंगे। ए सरकश, ये उस कुफर की सजा है जो तेरे हाथों ने आगे भेजा है, और अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। और लोगों में बाज ऐसा भी है जो किनारे पर खड़ा होकर अल्लाह की इबादत करता है, अगर उसको कोई दुनियावी फायदा पहुंचे तो उसके सबब मुतमईन हो जाए, और अगर कोई आफत पड़े तो मुंह के बल लौट जाए, यानी फिर काफिर हो जाए। उसने दुनिया में भी नुकसान उठाया और आखिरत में भी, यही तो साफ नुकसान है। ये अल्लाह के सिवा ऐसी चीज को पुकारता है जो ना उसे नुकसान पहुंचाए और ना फायदा दे सके, यही तो परले दर्जे की गुमराही है, बल्कि ऐसे शख्स को पुकारता है जिसका नुकसान फायदे से ज्यादा करीब है। ऐसा दोस्त भी बुरा और ऐसा साथी भी बुरा। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, अल्लाह उनको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। कुछ शक नहीं कि अल्लाह जो चाहता है करता है। जो शख्स ये गुमान करता हो कि अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत में मदद नहीं देगा, तो उसको चाहिए कि ऊपर की तरफ यानी अपने घर की छत में एक रस्सी बांधे, फिर उससे अपना गला घोंट ले, फिर देखे कि आया ये तदबीर उसके गुस्से को दूर कर देती है। और इसी तरह हमने इस कुरान को उतारा जिसकी तमाम बातें खुली हुई हैं, और ये याद रखो कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। जो लोग मोमिन यानी मुसलमान हैं और जो यहूदी हैं और सितारा परस्त और ईसाई और मजूसी और मुशरिक, अल्लाह उन सब में कयामत के दिन फैसला कर देगा। बेशक अल्लाह हर चीज से बाखबर है। क्या तुमने नहीं देखा कि जो मखलूक आसमानों में है और जो जमीन में है, और सूरज और चांद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और चौपाए और बहुत से इंसान अल्लाह को सजदा करते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिन पर अजाब साबित हो चुका है, और जिस शख्स को अल्लाह जलील करे उसको कोई इज्जत देने वाला नहीं। बेशक अल्लाह जो चाहता है करता है। ये दो फरीक एक दूसरे के दुश्मन अपने परवरदिगार के बारे में झगड़ते हैं, तो जो काफिर हैं उनके लिए आग के कपड़े कता किए जाएंगे और उनके सरों पर जलता हुआ पानी डाला जाएगा, उससे उनके पेट के अंदर की चीजें और खालें गल जाएंगी, और उनके मारने के लिए लोहे के हथौड़े होंगे। जब वो चाहेंगे कि उस रंजो तकलीफ की वजह से दोजख से निकल जाएं, तो फिर उसी में लौटा दिए जाएंगे, और कहा जाएगा
कि जलने के अजाब का मजा चखते रहो। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, अल्लाह उनको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनके तले नहरें बह रही हैं। वहां उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और मोती, और वहां उनका लिबास रेशमी होगा। और उनको अच्छी बात की तरफ रहनुमाई की गई और खूबियों वाले मालिक की राह बताई गई। जो लोग काफिर हैं और लोगों को अल्लाह के रास्ते से और मस्जिद हराम से, जिसे हमने लोगों के लिए यकसा इबादतगाह बनाया है, रोकते हैं, खा वो वहां के रहने वाले हों या बाहर से आने वाले, और जो उसमें शरारत से कजरवी और कुफ्र करना चाहे, तो उसको हम दर्द देने वाले अजाब का मजा चखाएंगे। और एक वक्त था जब हमने इब्राहिम को खाने काबा का मकाम बता दिया और इरशाद फरमाया कि मेरे साथ किसी चीज को शरीक न कीजो, और तवाफ करने वालों और कयाम करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को साफ रखा करना, और लोगों में हज के लिए ऐलान कर दो कि तुम्हारी तरफ पैदल और दुबले दुबले ऊंटों पर जो दूर दराज रस्तों से चले आते हों सवार होकर चले आए, ताकि अपने फायदे के कामों के लिए हाजिर हों। और कुर्बानी की अय्याम मालूम में मवेशी चौपायों के जबह के वक्त जो अल्लाह ने उनको दिए हैं उन पर अल्लाह का नाम ले। अब उसमें से तुम खुद भी खाओ और खस्ता हाल जरूरतमंद को भी खिलाओ। फिर चाहिए कि लोग अपना मैल कुचैल दूर करें और मन्नतें पूरी करें और उस कदीम घर यानी बैतुल्लाह का तवाफ करें। ये हमारा हुक्म है, और जो शख्स अदब की चीजों की जो अल्लाह ने मुकर्रर की हैं ताजीम करे, तो ये उसके परवरदिगार के नजदीक उसके हक में बेहतर है। और तुम्हारे लिए मवेशी हलाल कर दिए गए हैं सिवाय उनके जो तुम्हें पढ़कर सुनाए जाती हैं, तो बुतों की पलीदी से बचो और झूठी बात से परहेज करो, सिर्फ एक अल्लाह के होकर और उसके साथ शरीक न ठहरा कर। और जो शख्स किसी को अल्लाह के साथ शरीक मुकर्रर करे, तो वो गोया ऐसा है जैसे आसमान से गिर पड़े, फिर उसको परिंदे उचक ले जाएं या हवा किसी दूर की जगह उड़ाकर फेंक दे। ये हमारा हुक्म है, और जो शख्स अदब की चीजों की जो अल्लाह ने मुकर्रर की हैं ताजीम करे, तो ये काम दिलों की परहेजगारी से है। इनमें एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हारे लिए फायदे हैं, फिर इनको उस कदीम घर यानी बैतुल्लाह तक पहुंचना और ज़बह होना है। और हमने हर एक उम्मत के लिए कुर्बानी का तरीक मुकर्रर कर दिया है, ताकि जो मवेशी चौपाए अल्लाह ने उनको दिए हैं उनके ज़बह करने के वक्त उन पर अल्लाह का नाम ले। सो तुम्हारा माबूद एक ही है, तो उसी के फरमाबरदार हो जाओ और आजिजी करने वालों को खुशखबरी सुना दो। ये वो लोग हैं कि जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन पर मुसीबत पड़ती है तो सब्र करते हैं और नमाज आदाब से पढ़ते हैं, और जो माल हमने उनको अता फरमाया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं। और कुर्बानी के ऊंटों को भी हमने तुम्हारे लिए अल्लाह के शायर मुकर्रर किया है, उनमें तुम्हारे लिए फायदे हैं, तो कुर्बानी करने के वक्त कितार बांधकर उन पर अल्लाह का नाम लो, फिर जब पहलू के बल गिर पड़े तो उनमें से खाओ, और कनात से बैठ रहने वालों और सवाल करने वालों को भी खिलाओ। इस तरह हमने उनको तुम्हारे जेरे फरमान कर दिया है, ताकि तुम शुक्र करो। अल्लाह तक न उनका गोश्त पहुंचता है और न खून, बल्कि उस तक तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। इसी तरह अल्लाह ने उनको तुम्हारे जेरे फरमान कर दिया है, ताकि इस बात के बदले कि उसने तुमको हिदायत बख्शी है उसे बुजुर्गी से याद करो। और ऐ पैगंबर, नेकुकारों को खुशखबरी सुना दो। अल्लाह तो मोमिनों से उनके दुश्मनों को हटाता रहता है, बेशक अल्लाह किसी खयानत करने वाले नाशुकरे को दोस्त नहीं रखता। जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है, उनको इजाजत है कि वो भी लड़ें, क्योंकि उन पर जुल्म हो रहा है, और अल्लाह उनकी मदद करेगा, वो यकीनन उनकी मदद पर कादिर है। ये वो लोग हैं कि अपने घरों से नाहक निकाल दिए गए, इन्होंने कुछ कसूर नहीं किया। हाँ, ये कहते हैं कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, और अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे से न हटाता रहता, तो खानकाहें और गिरजे और यहूदियों के इबादत खाने और मुसलमानों की मस्जिदें, जिनमें अल्लाह का कसरत से जिक्र किया जाता है, गिराई जा चुकी होती। और जो शख्स अल्लाह की मदद करता है, अल्लाह उसकी जरूर मदद करता है, बेशक अल्लाह तवाना है, गालिब है। ये वो लोग हैं कि अगर हम इनको मुल्क में हुकूमत दे दें, तो नमाज कायम करें और जकात अदा करें और नेक काम करने का हुक्म दें,
और बुरे कामों से मना करें, और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही के इख्तियार में है। और अगर ये लोग तुमको झुटलाते हैं तो इनसे पहले नूह की कौम और आद और समूद की कौमें भी अपने पैगंबरों को झुटला चुकी हैं, और कौम इब्राहिम और कौम लूत भी, और मदियन के रहने वाले भी, और मूसा भी तो झुटलाए जा चुके हैं। लेकिन मैं काफिरों को मोहलत देता रहा, फिर मैंने उनको पकड़ लिया, तो देख लो कि मेरा अजाब कैसा सख्त था। चुनाचे बहुत सी बस्तियां हैं कि हमने उनको तबाह कर डाला कि वो नाफरमान थीं, सो वो अपनी छतों के बल गिरी पड़ी हैं, और बहुत से कुएं बेकार और बहुत से मजबूत महल वीरान पड़े हैं। सो क्या इन लोगों ने मुल्क में सैर नहीं की ताकि इनके दिल ऐसे होते कि उनसे समझ सकते और कान ऐसे होते कि उनसे सुन सकते। बात यह है कि आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि दिल जो सीनों में है वो अंधे हो जाते हैं। और ये लोग तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं, और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ हरगिज नहीं करेगा। और बेशक तुम्हारे परवरदिगार के नजदीक एक रोज तुम्हारे हिसाब की रूह से 1000 बरस के बराबर है। और बहुत सी बस्तियां हैं कि मैं उनको मोहलत देता रहा जबकि वो नाफरमान थी, फिर मैंने उनको पकड़ लिया और मेरी ही तरफ लौट कर आना है। ऐ पैगंबर, कह दो कि लोगों, मैं तो तुमको खुल्लम खुल्ला खबरदार करने वाला हूं, तो जो लोग ईमान लाए और काम नेक किए उनके लिए बख्शिश और इज्जत की रोजी है, और जिन लोगों ने हमारी आयतों में अपने ख्याल में हमें आजिज करने के लिए दौड़ धूप की, वो अहले दोजख हैं। और हमने तुमसे पहले कोई रसूल और नबी नहीं भेजा, मगर उसका यह हाल था कि जब वो कोई आरजू करता था तो शैतान उसकी आरजू में वसवसा डाल देता था, तो जो वसवसा शैतान डालता है अल्लाह उसको दूर कर देता है, फिर अल्लाह अपनी आयतों को मजबूत कर देता है, और अल्लाह इल्म वाला है, हिकमत वाला है। गरज इससे यह है कि जो वसवसा शैतान डालता है उसको उन लोगों के लिए जिनके दिलों में बीमारी है और जिनके दिल सख्त हैं, जरिया आजमाइश ठहराए। जालिम लोग मुखालफत में दूर जा पड़े। और यह भी गरज है कि जिन लोगों को इल्म अता हुआ है वो जान लें कि वो यानी वही तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, तो वो उस पर ईमान लाएं और उनके दिल अल्लाह के आगे आजिजी करें। और जो लोग ईमान लाए हैं अल्लाह उनको सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है, और काफिर लोग हमेशा उसकी तरफ से शक में रहेंगे, यहां तक कि कयामत उन पर नागहां आ जाए या एक नामुबारक दिन का अजाब उन पर आ वाके हो। उस रोज बादशाही अल्लाह ही की होगी और वो उनमें फैसला कर देगा। तो जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे वो नेमत के बागों में होंगे, और जो काफिर हुए और हमारी आयतों को झुटलाते रहे उनके लिए जलील करने वाला अजाब होगा। और जिन लोगों ने अल्लाह की राह में हिजरत की फिर मारे गए या मर गए, उनको अल्लाह अच्छी रोजी देगा, और बेशक अल्लाह बेहतरीन रिज्क देने वाला है। वो उनको ऐसे मकाम में दाखिल करेगा जिसे वो पसंद करेंगे, और अल्लाह तो जानने वाला है, बुर्दबार है। ये बात अल्लाह के यहां ठहर चुकी है, और जो शख्स किसी को उतनी ही ईजा दे जितनी ईजा उसको दी गई, फिर उस शख्स पर ज्यादती की जाए तो अल्लाह उसकी मदद करेगा। बेशक अल्लाह मुआफ करने वाला है, बख्शने वाला है। ये इसलिए कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और अल्लाह तो सुनने वाला है, देखने वाला है। ये इसलिए कि अल्लाह ही बरहक है, और जिस चीज को काफिर अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो बातिल है, और इसलिए कि अल्लाह ऊंची शान वाला है, बड़ा है। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह आसमान से मेह बरसाता है तो जमीन सरसब्ज हो जाती है? बेशक अल्लाह मेहरबान है, खबरदार है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है उसी का है, और बेशक अल्लाह बेनियाज है, काबिले सताइश है। क्या तुम नहीं देखते कि जितनी चीजें जमीन में हैं सब अल्लाह ने तुम्हारे जेरे फरमान कर रखी हैं, और कश्तियां भी जो उसी के हुक्म से समंदर में चलती हैं, और वो आसमान को थामे रहता है कि जमीन पर न गिर पड़े मगर उसके हुक्म से। बेशक अल्लाह लोगों पर निहायत शफकत करने वाला, मेहरबान है। और वही तो है जिसने तुमको हयात बख्शी, फिर तुमको मारता है, फिर तुम्हें जिंदा भी करेगा, और इंसान तो बड़ा नाशुक्रा है। हमने हर एक उम्मत के लिए बंदगी की एक राह मुकर्रर कर दी है,
कि उसी तरह वो बंदगी करते हैं, तो ये लोग तुमसे इस मामले में झगड़ा ना करें और तुम लोगों को अपने परवरदिगार की तरफ बुलाते रहो, बेशक तुम सीधे रास्ते पर हो। और अगर ये तुमसे झगड़ा करें तो कह दो कि जो अमल तुम करते हो अल्लाह उनसे खूब वाकिफ है। जिन बातों में तुम इख्तिलाफ करते हो अल्लाह तुम में कयामत के रोज उनका फैसला कर देगा। क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ आसमान और जमीन में है अल्लाह उसको जानता है? ये सब कुछ किताब में लिखा हुआ है, बेशक ये सब अल्लाह को आसान है। और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जिनकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं फरमाई और न इनके पास इसकी कोई दलील है, और जालिमों का कोई भी मददगार नहीं होगा। और जब इनको हमारी साफ साफ आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो इनकी शक्ल बिगड़ जाती है और तुम इनके चेहरों में साफ तौर पर नागवारी देखते हो। ऐसा लगता है कि जो लोग इनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाते हैं उन पर हमला कर देंगे। कह दो कि मैं तुमको इससे भी बुरी चीज बताऊं, वो दोजख की आग है जिसका अल्लाह ने काफिरों से वादा किया है और वो बुरा ठिकाना है। लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, उसे गौर से सुनो कि जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते अगरचे उसके लिए सब इकट्ठे हो जाएं, और अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो उसे उससे छुड़ा नहीं सकते। तालिब और मतलूब यानी आबिद और माबूद दोनों गए गुजरे हैं। इन लोगों ने अल्लाह की कदर जैसी करनी चाहिए थी नहीं की। कुछ शक नहीं कि अल्लाह जबरदस्त है, गालिब है। अल्लाह फरिश्तों में से पैगाम पहुंचाने वाले मुंतखब कर लेता है और इंसानों में से भी। बेशक अल्लाह सुनने वाला है, देखने वाला है। जो उनके आगे है और जो उनके पीछे है वो उससे वाकिफ है, और सब कामों का रुजू अल्लाह ही की तरफ है। मोमिनों, रुकू करते और सजदा करते और अपने परवरदिगार की इबादत करते रहो और नेक काम करो ताकि फलाह पाओ, और अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा जिहाद करने का हक है। उसने तुमको मुंतखब किया है और तुम पर दीन की किसी बात में तंगी नहीं की, और तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन पसंद किया। उसी अल्लाह ने पहले यानी पहली किताबों में तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था और इस किताब में भी वही नाम रखा है। तो जिहाद करो ताकि पैगंबर तुम्हारे बारे में गवाह हो और तुम लोगों के मुकाबले में गवाह रहो। सो मुसलमानों, नमाज कायम करो और जकात दो और अल्लाह के दीन की रस्सी को पकड़े रहो, वही तुम्हारा दोस्त है। सो वो क्या खूब दोस्त है और क्या खूब मददगार है।